हे नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल गोस्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए खूबसूरत से एपिसोड में। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने मेरे कई सारे वीडियोस में लगातार कमेंट किया है कि मैं जंगलों में किस प्रकार से कैंपिंग करता हूं, क्या क्या रूल होते हैं कैंपिंग टेंटिंग के, सर्वाइव कैसे किया जाता है। इस प्रकार से सवाल लगातार मेरे टेंटिंग कैंपिंग वाले वीडियोज़ में आते रहते हैं। तो आज हमने सोचा कि क्यों ना इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए और आपको बताया जाए कि अगर आप जंगलों में कैंपिंग करते हैं अपने दोस्त यार परिवार के साथ या फिर सोलो भी कैंपिंग करते हैं तो क्या क्या चीज़ों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त शुरू करते हैं आज के हमारे इस खूबसूरत से एपिसोड को। तो साथियों, सबसे पहला जो सवाल आता है वो ये है कि अपना कैंप लोकेशन कैसे चूज करें, टेंट कहाँ पर लगाया जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपको एक प्लेन सरफेस देखना पड़ेगा। आप किसी भी जंगल में हैं, छत्तीसगढ़ के जंगल में हैं, बाहर के जंगल में हैं, क्योंकि कैंप का जो टेंट लगता है वो जंगलों पर ही लगता है और जंगलों का फीलिंग अलग है। तो आपको ये देखना है, सबसे पहला जो पॉइंट है आपका, जो टेंट का सरफेस है जहाँ पर आप टेंट लगा रहे हैं वो एकदम प्लेन होना चाहिए, क्योंकि आप रात के वक्त जब सोएंगे तो ऑब्वियसली बात है अगर वो सरफेस उबड़ खाबड़ रहा तो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा दूसरा दिन पेनफुल रहेगा, बहुत तकलीफ भरा रहेगा। ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़ आपको ये देखना है कि आपके टेंट लोकेशन के आसपास में पानी जरूर हो। कई सारे लोगों को आपने कहते और सुनते देखा होगा कि पानी के नज़दीक में कभी भी टेंटिंग कैंपिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जानवर जो हैं रात को जंगलों में पानी पीने के लिए टेंट के नज़दीक आते हैं। लेकिन साथियों, अगर आप टेंट को पानी के नज़दीक नहीं रखेंगे, पानी अर्थात 20-50-100 मीटर के डिस्टेंस में अगर आपने टेंट को नहीं रखेंगे तो आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है, क्योंकि आप टेंट नाइट स्टे कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है खाना भी बनाएंगे, पानी पिएंगे, बहुत सारी चीज़ है। आप एक हद तक ही अपने सामान को ला सकते हैं, पानी बहुत हैवी क्वांटिटी में नहीं ला सकते, क्योंकि आप लंबा सफ़र तय करके आए रहेंगे जंगलों में तो आप पानी या फिर ऐसे बड़े चीज़ों को कैरी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए पानी के नज़दीक ही लगाएं। बस थोड़ा सतर्कता आपको ध्यान देना पड़ेगा कि पानी से थोड़ा 50-100 मीटर दूर हो। अगर आप रिवर साइड में कैंप कर रहे हैं और बरसात का महीना नहीं है तो वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि रिवर काफ़ी लंबा होता है और जानवर कहीं भी पानी पी सकता है, आपको टेंट में डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। तो ये तो बात हो गई कि आपका टेंट का लोकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, दूसरा जो बात आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपका टेंट लगाने का टाइमिंग क्या होना चाहिए। हमेशा आप याद रखें, शाम या रात के वक्त में टेंटिंग कैंपिंग बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उससे विजिबिलिटी आपका कम रहेगा और आप एग्जैक्ट लोकेशन या सही लोकेशन का चयन नहीं कर पाएंगे। तो आपको दोपहर या फिर 3-4-5 बजे के भीतर ही टेंट लगाना है। तो ये टाइमिंग का विशेष ध्यान रखें। मैंने कई बार रात रात को भी टेंटिंग कैंपिंग किया है, 7 बजे, 8 बजे, इवन 9, 10, 11 बजे भी मैं टेंट लगाया हूँ, लेकिन उस समय मेरा अनुभव वाकई में बहुत ख़राब रहा है, जो कि आज के लिए मैं समझता हूँ कि अगर मैं कहीं भी जाऊँगा तो मेरा जो टेंट का टाइम रहेगा लगाने का वो मैक्स टू मैक्स 3-4-5 बजे तक लग जाना चाहिए। इससे होता ये है कि हम कुकिंग और पानी के लिए, पानी का सबसे पहला व्यवस्था हम कर लेंगे उसी समय में और दूसरा कुकिंग का भी हम तैयारी चालू कर देंगे। अब तीसरी बात पर आ जाते हैं कि पानी को हम जंगलों से कैसे पीने योग्य बना करके उसको पी सकते हैं। तो अब ऐसी बात है कि मैं आपको लगातार बताते आ रहा हूँ कि टेंट का लोकेशन आपके पानी के नज़दीक होना चाहिए। तो आपके पास कुछ ऐसा साधन होना चाहिए जिससे आप पानी को ला सकें। प्रयास कीजिएगा, मेरा एक वीडियो है, आई बटन में आ रहा होगा, जा करके देख सकते हैं, उसमें जंगल के पानी को कैसे फिल्टर किया जाता है ये बताया गया है। खोद करके गड्ढा, उसको फिल्टर किया जाता है 1-1.5-2 घंटा रख करके, वैसा आप आसानी से कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, पानी आपको थोड़ा क्रिस्टल क्लियर जैसा दिखाई दे रहा है, मटमैला अगर नहीं दिखाई दे रहा है, तो उस पानी को आप ला करके गर्म कर सकते हैं, बॉइल्ड कर सकते हैं, उसके बाद वो पीने योग्य हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुकिंग की। जंगलों में अगर आप कुक करते हैं तो प्रयास कीजिए नॉनवेज ज़्यादा प्रिफेयर ना करें, नॉनवेज ना बनाएं, क्योंकि नॉनवेज का जो स्मेल है चारों तरफ फैलता है, जिससे जंगली जानवर आपके तरफ आने के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे। लेकिन अब आप कमेंट करेंगे कि कौशल बाबा, आप तो पूरा नॉनवेज हो, शुद्ध मांसाहारी, हमेशा मांस खाते रहते हो, तो मैं उसके लिए बहुत सारे मेरे पास और भी उपाय हैं। तो अगर आप नॉनवेज बनाते हैं या नॉर्मल बनाते हैं, जैसा भी करते हैं, जानवर जरूर अट्रैक्ट होंगे खाना का खुशबू सूंघ करके। तो उसके पार्ट में अपन बाद में जाएंगे। आप कुक कैसे कर सकते हैं, कुक आप बड़े ही आसानी से एकदम जो भी साधन आपके पास है, आपको घर से सारी चीज़ ले आना चाहिए, नमक मसाला, जो चावल या रोटी, रोटी तो फिलहाल कैंप में नहीं खाना चाहिए, बहुत टाइम टेकिंग का काम है, और भी अन्य चीज़ें हैं, वो सब आपको सामान राशन का वो लेकर के आना है, कम कम मात्रा में लेकर आइए, ज़्यादा हैवी बहुत ज़्यादा मत लाइए। लेकिन उसको लाने के बाद आप जो आपका टेंट है उससे तकरीबन 20 मीटर या 30 मीटर की दूरी पर आपका खाना बनाइए, या हो सकता है 10 मीटर की दूरी पर बनाइए, और आग को ऐसा जलाइए कि वो आग जो है खाना बनने के बाद
बाद में लाइक बोन फायर या फिर आपके सुरक्षा के लिए भी काम आ सके। तो ये अपन जब सुरक्षा के पॉइंट पर बात करेंगे उस दरमियान में बताएंगे। तो खाना बनाना बहुत आसान है, खाना आपको खुद बनाना पड़ेगा। अगर आप पैक्ड खाना लेकर आ रहे हैं तो वो भी आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब साथियों आ जाते हैं हम लोग सीधा सोने पर। खाना बना लिया हमने, टेंट लगा लिया, पानी का व्यवस्था कर लिया, अब हमको सोना है। तो हम कैसे सोएंगे? तो इसके लिए आपको दो तीन चीज़ों का एकदम खास ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले आप मेंटली प्रिपेयर होकर आएँ। आप जंगलों में हैं, अपने घरों पर नहीं हैं, तो यहाँ आपको अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देते रहेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा डरावना फील होगा। तो इसके लिए जब तक आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं और दिल से स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है, तो आप मे भी रात को सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मतलब आपको बहुत डर लगेगा। लेकिन अगर आप इस चीज़ को प्रिपेयर होकर के आ रहे हैं, कैंपिंग वीडियो में देखने से बहुत आसान लगता है, बहुत मज़ेदार लगता है। जब आप करेंगे ना तब पता चलेगा कि रात को जो रात गुजरता है वो काफ़ी डरावना और ख़तरनाक होता है। कुछ भी जानवर नहीं रहने से, कोई भूत प्रेत, वैसे मैं भूत प्रेत नहीं मानता हूँ, कोई भूत प्रेत नहीं रहने से भी जो एक अकेले का सुनसान का जो आहट है वो बहुत ख़तरनाक है। अगर आप दो लोग भी रहेंगे, चार लोग भी रहेंगे, पाँच, कितने लोग रहिए, हाँ ये बात अलग है। जैसे बहुत ग्रुप में आप 10-12 टेंट लेकर बैठे हैं तो शायद आपको डर नाम का चीज़ नहीं रहेगा, लेकिन आप एक या दो टेंट में हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा। और इसको आपको मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे तभी आप इस काम को कर पाएंगे। सोने के वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपके जो टेंट के अंदर है एक मेट जरूर बिछाएं ताकि आपको अच्छा नींद आ सके, नीचे का कंकड़ गिट्टी आपको ना गड़े। और सोने में घुसने से पहले आपको आपके टेंट के पास, आपको स्पेशली मैं एक बात बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए, एक पैकेट या दो पैकेट नमक का पुड़िया लेके घूमना है। कम रुपए वाला भी नमक आप ले सकते हैं और उसको पूरे टेंट के चारों साइड आप लगा देंगे। क्यों लगाएंगे इसको मैं सुरक्षा के पार्ट में बताऊंगा। तो ये लगाने के बाद अगर आप सोएंगे ना तो समझ भी गए होंगे आप, कीड़े मकोड़े के लिए ही है वो। तो ये अगर लगा के सोते हैं तो सांप बिच्छी कीड़े मकोड़े का खतरा पूरा हट जाएगा। और सोने के वक्त विशेष ध्यान रखें, आप अपने पास लकड़ी या डंडा या कोई छोटा मोटा हथियार डराने के लिए वो जरूर रखें। आग आपके टेंट के सामने जलते रहना चाहिए। बरसात का महीना है तो प्रयास कीजिए कि आग कहीं कोने में जले, लेकिन आग जलते रहना चाहिए। और आपके पास कुछ ऐसे सुरक्षा उपाय जरूर होने चाहिए हैंड में, पॉकेट में, जिससे आप अगर कुछ खतरा होता है तो उसे सर्वाइव कर सकें, तो आपको ऐसे आसानी से रात गुजर जाएगा। अब हम बात करते हैं सीधा पॉइंट पर, जो इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य है वो है सुरक्षा की। क्या इस प्रकार से जंगलों में टेंटिंग कैंपिंग करना सुरक्षात्मक है या नहीं है, या फिर सुरक्षा के लिए हमें क्या क्या उपाय करना चाहिए? तो दोस्तों जंगलों में सर्वाइव करना बिल्कुल भी सुरक्षात्मक नहीं है। मैं बिल्कुल भी बच्चों को नहीं बोलूँगा या फिर बड़ों को भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि जंगल जो है जंगल होता है, जंगल के कानून बहुत डिफरेंट होते हैं। तो अगर आपको फिर भी कैंपिंग करना है तो सर्वाइव के मैं कुछ बता रहा हूँ आपको। जैसे कि हम सीधा सीधा जानवरों पर आ जाते हैं, टेंट के अगल बगल में नमक का तो आप जान गए, सांप बिच्छू कीड़े मेड़े छोटे मोटे जो भी जो ज़मीन में चलते हैं उन जानवरों से आपका जो नमक है वो सुरक्षा कर देगा। दूसरा, आपके पास एक पीपर स्प्रे होना चाहिए। नीचे लिंक में दिया गया है, आप अमेजोन में जाकर के परचेस कर सकते हैं या आसपास में ले सकते हैं, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 250-300 रुपये का आता है। वो क्यों होना चाहिए बता रहा हूँ। अगर आप जंगलों में हैं और कोई जानवर से सामना हो गया या किसी ऐसे असामाजिक तत्व, मतलब इंसानों को बोल रहा हूँ जो जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक है, उनसे सामना हो गया, कोई अल्कोहल पी करके आ गया, 5-7 लड़के आपके पास परेशान वरसान करना चालू कर दिए, तो आपके पास पीपर स्प्रे होना चाहिए आपकी सुरक्षा के लिए। पीपर स्प्रे क्या है इसको मैं बता देता हूँ, वो बहुत ही अच्छा चीज़ है जो लड़कियों के लिए स्पेशली बनाया गया था सुरक्षा के लिए, लेकिन उसको कोई भी यूज़ कर सकता है, मेल फीमेल ऐसा कोई नहीं है। उसमें तेज मिर्ची का स्प्रे निकलता है, तो उससे क्या आँख या नाक में बहुत ज़्यादा जलन होता है। किसी भी आदमी पर मार देने से वो, या जानवर पर मार देने से, कुछ मिनट के लिए वो अंधा हो जाएगा या कुछ मिनट के लिए वो देख नहीं पाएगा। तो उस समय तक आप अपने आप को सुरक्षा कर सकते हैं, बच सकते हैं, भाग सकते हैं, दूर कहीं जा सकते हैं। तो ये पीपर स्प्रे आप रखें। अब बात करते हैं जंगली जानवरों से सामना अगर आपका हो जाता है तो आपको क्या करना है। तो दोस्तों देखो, जंगली जानवरों को मैं थोड़ा 1, 2 या 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ और आप उसको समझिएगा कि कौन सा जानवर को कैसे आपको टैकल या हैंडल करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं सबसे छोटे जो जानवर होते हैं, जैसे कि लोमड़ी, फॉक्स, भेड़िया, इस प्रकार, हाइना, लकड़बग्घा। लकड़बग्घा हालांकि छोटा जानवर नहीं है, बहुत खतरनाक जानवर है,
लेकिन फिर भी ये एक कैटेगरी में आएंगे। इन जानवरों को आप बहुत ज्यादा आवाज दे करके, चिल्ला करके, या डंडा दिखा करके, या मार करके, मतलब जमीन में मार करके इनको भगा सकते हैं। आप एक से ज्यादा लोग हैं तो ये आसानी से डर जाते हैं और दूर हो जाते हैं। ये आपको खाने के उद्देश्य से कभी नहीं आएंगे, आपके सामान को खाने के लिए आ सकते हैं, मैंने आप जो फूड के खाना जो भी रखे होंगे उसको खाने के लिए आ सकते हैं। तो आप इनको आसानी से भगा सकते हैं, इनसे डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अकेले हैं और ये झुंड में हैं तो आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में आपको पीपर स्प्रे या डंडा आपका काम आने वाला है। अब आ जाते हैं सेकेंड कैटेगरी। सेकेंड कैटेगरी में मैं लूँगा भालू, लकड़बग्घा को भी अपन ले सकते हैं सेकेंड कैटेगरी में, और उसके बाद आपका टाइगर तो हमारे जंगलों में बहुत कम है, तेंदुआ। ये जो जानवर है ये कभी आपके पास नहीं आएंगे। आप अगर ट्रैकिंग करते जा रहे हैं, सामने से टकरा गए तो अलग बात है, अच्छा ये आ भी गए तो बाई मिस्टेक आएंगे, आपके टेंट को देखकर या आपको देखकर नहीं आएंगे। तो इन जानवरों का आपको ऐसा कोई बिल्कुल खतरा नहीं होगा, और अगर ऐसा खतरा होता भी है तो वही फर्स्ट वाला फार्मूला लागू होता है, पीपर स्प्रे, डंडा, या चिल्लाओ या आवाज दो, इनको भगाओ, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि थोड़ा पीछे हो जाओ। स्पेशली भालू, भालू हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है। अगर मादा भालू आपको मिलते हैं बच्चे के साथ तो आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, वो आपको चीर फाड़ सकता है। तो उससे आप जितना ज्यादा दूरी बनाएं, उसको देख भी रहे हैं तो बहुत दूर में रहे हैं, वो आपको देखेगा तो दूर से हट जाएगा। आपको उससे दूरी, हर जानवर से दूरी बनाकर ही रखना है। मादा भालू के कंडीशन में एक बात और बता दूं आपको, एकदम आमना सामना आपका हो गया तो आपको उससे भागना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जितना तेज भाग सकते हो, उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर प्रति घंटे के स्पीड में वो दौड़ सकता है, तो आपको उससे भी ज्यादा दौड़ना है, जबकि एक मनुष्य 10-15 किलोमीटर के स्पीड से ज्यादा दौड़ नहीं पाता है। तो इसीलिए आप जिग जैग करके भागे या जैसे भी करके भागे, उससे दूरी बनाएं, उससे जितना ज्यादा दूरी बनाएंगे उतना ज्यादा सुरक्षित रहेंगे, वो जितना पास रहेगा उतना ज्यादा खतरनाक आपके लिए हो सकता है। अब बात करते हैं फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में मेरे नजर में सिंगल एक जानवर है, दो जानवर है, लेकिन दूसरा जानवर हमारे छत्तीसगढ़ में मे भी शायद ही कहीं हो। तो पहला दूसरा जानवर है शेर, जो टाइगर होता है बड़ा वाला, बब्बर शेर। तो बब्बर शेर आपको खाने के लिए, वो शुद्ध मांसाहारी, आप उसके लिए टेस्टी फूड, वो आपको खाने के लिए आ सकता है। लेकिन ऐसे जगहों में आपको कैंपिंग करना ही नहीं है जहां बब्बर शेर हो, मतलब शेर हो या टाइगर हो, क्योंकि ऐसे जगह को रिजर्व रखा जाता है नेशनल पार्क या कहीं भी। तो उस जगह में आप कैंपिंग कर रहे हैं तो आप ऑलरेडी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के रूल को तोड़ रहे हैं। तो ऐसे जगह में बिल्कुल टेंटिंग कैंपिंग नहीं करें, और शेर से आपका बचने का मेरे पास कोई रूल नहीं है, कोई उपाय नहीं है, वो खाएगा आपको, 100% तय बात है। अब बात करते हैं फर्स्ट जो जानवर है वो है हाथी। हाथी से आप ना भगवान से यही दुआ कीजिए कि मुलाकात ही ना हो, क्योंकि वो हर मामले में आपको पछाड़ देगा। हाथी अधिकतर झुंड में रहता है, झुंड में रहता है इसलिए उन लोग आपको बड़े आसानी से घेर सकते हैं, और घेरने की जरूरत नहीं है, उसका शरीर इतना बड़ा है, वो आपका टेंट, आपका कार, आपका आपको खुद को, किसी को भी उठा के पटक के मार सकता है। बचे कैसे अगर मुलाकात हो जाता है? तो हाथी का आवाज़ काफ़ी दूर से सुनाई देता है, उसके पैरों का आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं देता, चिंघाड़ने का जो उसका आवाज़ है वो आपको सुनाई देता है, तो उस एरिया में आप ना जाएं। दूसरी बात, जिस भी जगह में आप कैंपिंग कर रहे हैं आसपास के ग्रामीणों से मिलें, चाहे वो 10 किलोमीटर दूर के ग्रामीण हो चाहे 20 किलोमीटर दूर के ग्रामीण हो, और उनसे पूछें कि आसपास में हाथियों का आवागमन होता है क्या, अगर होता है तो उस स्थान पर बिल्कुल भी कैंपिंग मत करें। अब हो गया सामना, ये सारे रूल आप फॉलो किए हो लेकिन फिर भी हो गया आपका सामना, तो आपको हाथी से बचने के केवल इक्के दुक्के जो नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, हाथी जैसे ही दिखता है आपको उसे दूरी बनाना है। हाथी आपके पास दौड़ने के लिए आता है, वो भी काफ़ी स्पीड दौड़ता है, 30-40 किलोमीटर की स्पीड आसानी से दौड़ लेता है, तो आपको ढलान की ओर जाना है। ढलान में आप जैसे ही जाएंगे, हाथी का वेट इतना ज़्यादा है कि इतना ज़्यादा होता है कि वो ढलान में अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो आपको ढलान की ओर जाना है, ढलान ही आपको बचा सकता है। हाइट की ओर आप वैसे भी थक जाएंगे चढ़ने में, और हाथी को हाइट में चढ़ना बड़ा आसानी है, और हाथी कहीं भी जा सकता है, खाई वाले एरिया को छोड़ करके, पत्थरों वाले एरिया को छोड़ करके हाथी कहीं भी घुस जाता है, तो आपको बस इन्हीं नियमों का पालन करना है। तो दोस्तों ये थे हमारे सुरक्षात्मक जो चीज़ें हैं उनके बारे में, अगर मैं कुछ भूल रहूँगा तो नीचे कमेंट कीजिए, फिर से हम और एक वीडियो बना देंगे। और टेंटिंग कैंपिंग में बस यही होता है और कुछ नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बूशक्राफ्ट कैंपिंग टेंटिंग करूँ तो उसके लिए भी मुझे कमेंट करें। बूशक्राफ्ट टेंटिंग कैंपिंग क्या होता है इसे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। इंडिया में मेरे ख्याल से कोई भी एक सिंगल बंदा नहीं है जो करता हो, तो मैं भी हो सकता हूँ फर्स्ट बंदा। अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट कीजिए, हम अलग से चैनल खोल लेंगे जिसमें सर्वाइव करता है सोलो जंगलों में, और साथ ही साथ उसमें कोई वॉइस नहीं होता,
केवल आपको नेचुरल आवाज और नेचुरल चीजों से जीना, इन सारी चीजों को मैं बता सकता हूँ, क्योंकि काफी समय से मैं कैंपिंग टेंटिंग करते आ रहा हूँ, तो जिसका मुझे अच्छा खासा अनुभव है। तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज का हमारा ये टेंटिंग कैंपिंग वाला नॉलेज ज्ञान देने वाला एपिसोड पसंद आया होगा। और अगर आपको आज का हमारा ये एपिसोड पसंद आया, आप हमारे इस चैनल में नए हैं, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, जिसे अगर आप दबा देंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ साथ बेल और ऑल को प्रेस कर लेंगे, तो इसी प्रकार के खूबसूरत वीडियो जब भी हम बनाते रहेंगे उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।